لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے والے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے. قرآن مجید میں دو لفظ، ایک اتباع اور ایک اطاعت، جس کا معنی ہم اردو زبان میں پیروی کر دیتے ہیں، حکم ماننا کر دیتے ہیں، لیکن عربی زبان کے لحاظ سے اتباع کا معنی الگ ہے اور اطاعت کا معنی الگ ہے. اتباع اعمال اور افعال میں ہے اور اطاعت اقوال میں ہے. اس کو اور آسان کر کے بتاؤں تو اتباع یعنی نقش قدم پر چلنا، اطاعت جو بھی بتایا جائے اور کہا جائے اس کے مطابق عمل کرنا. اگر اس اتباع اور اطاعت کے نمونے دیکھنا ہے تو اگر اتباع دیکھنا ہے تو آپ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر کیجئے. اگر اطاعت دیکھنی ہے تو اہل بیت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے
जो सच्चे और मुखलिस असहाब थे उनकी जिंदगियों पर नजर कीजिए। ये इताअत और इत्तेबा दोनों आपको इनकी जिंदगियों में मिलेंगे। इत्तेबा यानी जहां जो पैगंबर ने किया वो किया जाए, पैगंबर को देखते जाओ और आमाल अंजाम देते जाओ, अपनी जिंदगी को संवारते जाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाओ, ये है इत्तेबा। इताअत पैगंबर जो कुछ बयान करते जाएं उसके मुताबिक अमल करते जाओ, यह है इताअत। अब जब हम अहले बैत इस मुतहारत की जिंदगी पर नजर करते हैं तो हमें दोनों मिसालें यहां पर मिलती हैं कि पैगंबर का इत्तेबा कैसे किया जाता है और पैगंबर की इताअत कैसे की जाती है। पैगंबर के इत्तेबा के लिए बेहतरीन मिसाल अमीरुल मोमिनीन पैगंबर के हमराह नमाज अदा फरमा रहे हैं। ऐन नमाज के आलम में बैतुल मुकद्दस की तरफ से खाने काबा की तरफ रुख करने का हुक्म आ गया। नमाज के आलम में पैगंबर नमाज अदा फरमा रहे हैं और वही आ गई कि आप अपना रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ से खाने काबा की तरफ कर लो। अब बैतुल मुकद्दस इधर, खाने काबा इधर, अब जाहिर सी बात है कि बिल्कुल मुड़ जाना है। अब अमीरुल मोमिनीन साथ में नमाज अदा कर रहे हैं। रवायतों और तफसीरों में है कि जैसे ही पैगंबर मुड़े वैसे ही अमीरुल मोमिनीन ने भी अपना रुख पैगंबर के साथ ही साथ खाने काबा की तरफ कर लिया और जर्रा बराबर दिल में शक भी न आया कि पैगंबर ये नमाज पढ़ते पढ़ते ये क्या हो गया, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों आ गए, ये इन्होंने उत्तर से दक्षिण की तरफ अपना रुख क्यों कर लिया, जरा भी शक नहीं, जरा भी शुभा नहीं। और जो पैगंबर ने किया वही अली ने किया, इसको कहते इत्तबाए रसूल। एक सलावात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये खसूसियत भी और असहाब पैगंबर में किसी और को नहीं मिली, ये तन्हा खसूसियत मौला अमीरुल मोमिनीन की है कि पैगंबर के साथ साथ दो क़िबलों की तरफ नमाज अदा करने वाले। और ऐन नमाज में जो हुक्म आया तो बैतुल मुकद्दस से खाना काबा की तरफ मुड़ गई, यह इत्तबाए रसूल। वरना आम तौर से कोई बेमारिफत होता तो जाहिर सी बात है कि फौरन दिल में ख्याल और शक पैदा हो जाता कि ये ऐन नमाज में और ये इधर से उधर जाने का क्या मतलब है, ये इत्तबाए रसूल। अब आप पैगंबर के हुक्म को देखिए, पैगंबर नमाज अदा फरमा रहे हैं, ये इत्तबा की मिसाल थी। और इताअत की मिसाल देखिए, पैगंबर नमाज अदा कर चुके और पैगंबर मस्जिद में तशरीफ फरमा है। इसी दरमियान अमीरुल मोमिनीन किसी जंग से किसी मुहिम से वापस हुए और आने के बाद वुजू फरमाया और वुजू करके नमाज के लिए अभी खड़े होना ही चाहते थे कि पैगंबर ने कहा अली इधर आ जाओ। वो जो तकबीर के लिए हाथ उठ रहे थे वो नीचे आए और पैगंबर की खिदमत में काली बैठ जाओ, अमीरुल मोमिनीन बैठ गए। अब जैसे ही अली बैठे पैगंबर ने अपना सर अली के जानू पर रखा और पैगंबर आराम फरमा हो गए। अब जो पैगंबर ने अपने पाए मुबारक दराज किए और अली के जानू मुबारक पे अपना सर मुबारक रखा तो जैसे ही हबीब को महबूब का जानू मिला नींद आ गई। अब पैगंबर सोए तो सोते रह गए, यहां तक कि नमाज का वक्त जाने वाला था, पैगंबर की आंख खुली, पैगंबर ने आवाज दी असल्लैतल असर या अली, ये अली क्या नमाज असर अदा कर चुके। तो
तो या रसूलल्लाह कैसे अदा करता, इसलिए कि आपका सर मेरे जानों के ऊपर था। हां अदा जरूर की लेकिन इशारों में अदा की, आपका सर हमारे जानों के ऊपर था। और कुरान कह रहा है कि देखो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत मत देना, अगर मैं आपको जगाता तो आपको अजियत होती और ये कुरान की खिलाफ वर्जी होती, लिहाजा ये हो नहीं सकता था कि मैं कुरान की खिलाफ वर्जी करूं। लिहाजा नमाज अदा तो जरूर की लेकिन इशारों में अदा की मैंने। बस एक मरतबा पैगंबर ने फरमाया, पैगंबर ने उस डूबते हुए सूरज की तरफ रुख किया और एक इशारा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ये मेरे मालिक अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में था, लिहाजा सूरज को वापस कर दे ताकि अली नमाज अदा कर सके। कहते डूबता हुआ सूरज एक मरतबा फिर वापस हुआ, जब तक अली नमाज अदा करते रहे सूरज अपनी जगह पर रहा, जैसे ही अली की नमाज तमाम हुई वैसे ही सूरज भी गोशे मगरिब में छुप गया। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये तो थी मारिफत वाली नमाज। और पैगंबर की शख्सियत और किरदार से वाकिफ थे, मारिफत थी, लिहाजा आपने इताअत की, क्योंकि इताअत भी बगैर मारिफत के मुमकिन नहीं है, जितनी मारिफत होगी उतनी इताअत होगी। इसी मस्जिद का एक और वाकया है, इसी से पहले ये जो अमीरुल मोमिनीन को बुलाया और बिठाला और आराम फरमा हुए, यही मस्जिद है। पैगंबर तशरीफ फरमा है, एक शख्स आया और उसने जल्दी जल्दी वुजू किया और वुजू करके नमाज के लिए खड़ा होना चाहता था, और अभी जैसे ही तकबीर के लिए हाथ बुलंद करके अल्लाहु अकबर कहना चाह रहा था या कह चुका था, पैगंबर ने आवाज दिया, भाई इधर इधर आओ। अब जाहिर सी बात है वो तकबीर कह चुका तो सोच रहा है कि नमाज पूरी करूं कि रसूलुल्लाह की आवाज पे जाऊं। अब वो पसोपेश में पड़ गया कि एक तरफ अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि इधर आओ और दूसरी तरफ ये अल्लाह की इबादत और नमाज अब करें क्या। उसने जल्दी जल्दी नमाज तमाम की और नमाज तमाम करने के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में आया, और रसूलुल्लाह की खिदमत में आने के बाद कहता है कि जी हुजूर फरमाइए क्या हुक्म है। पैगंबर ने फरमाया तुमको बुलाया तुम आए क्यों नहीं। तो या रसूलुल्लाह आना उसल्ली में नमाज पढ़ रहा था। पैगंबर ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है कि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि जब भी अल्लाह उसका रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो, फौरन लब्बैक कहो। कह या रसूलल्लाह ये तो आयत मैंने अब सुनी है आपके जबान मुबारक से, कुरान पढ़ा तो था लेकिन नजर में नहीं थी ये आयत कि ये हुक्म है कि जब भी अल्लाह और उसका रसूल पुकारे फौरन लब्बैक कहो। पैगंबर ने उस मौके पर एक जुमला और इरशाद फरमाया, पैगंबर ने फरमाया ये बताओ कि तुमको नमाज बताई किसने, का आपने, का बुलाया किसने था, का आपने। पैगंबर ने फरमाया कि जो कुछ बताया उस पर ईमान ले आए और जिसने बताया उस पर ईमान नहीं लाए। एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इरशाद होता है कि ये बोलो कि जो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, पैगंबर आप इन लोगों से कह दीजिए कि जो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं ये आपका इत्तेबा करें, आपकी पैरवी करें। जितना ज्यादा इंसान अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार है जरूरी है कि वो पैगंबर का इत्तेबा करें, पैगंबर की पैरवी करें, और बगैर पैगंबर की पैरवी और पैगंबर के इत्तेबा के वो अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता और अल्लाह का महबूब
नहीं बन सकता है। अगर किसी को अल्लाह का महबूब बनना है तो अल्लाह का महबूब बनने के लिए जरूरी है कि अल्लाह के हबीब की इताअत करे, और जाहिर सी बात है कि अल्लाह के हबीब की इताअत मुमकिन ही नहीं है जबकि अल्लाह के हबीब के महबूब को न माना जाए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह सब एक सिलसिला है, अहले बैत के बगैर पैगंबर नहीं और पैगंबर के बगैर अल्लाह नहीं, ये एक सिलसिला है। अगर आपको रसूलुल्लाह तक पहुंचना है तो आप अहले बैत तक आइए, अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो अहले बैत से रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह से अल्लाह तक पहुंचिए। आप ये सोच के कि नहीं हम अल्लाह वाले हैं और बहुत ज्यादा हम इबादत करने वाले, बहुत ज्यादा हम सौम सलात के पाबंद और हमको क्या जरूरत है, नहीं, ये कुरान ने एक मेयार बयान किया है कि पैगंबर आप कह दीजिए कि अगर वाकईन तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो अल्लाह की मोहब्बत तुमको उस वक्त तक नसीब नहीं होगी और तुम अल्लाह की मोहब्बत में उस वक्त तक सच्चे नहीं करार पाओगे कि जब तक कि मेरे हबीब का यानी अल्लाह के रसूल का इत्तबा न करो, इनकी पैरवी न करो। तो मालूम यह हुआ कि दो चीजें हैं, एक है इत्तबा और एक है इताअत। इत्तबा कहते हैं नक्श कदम पर चलने को और इताअत कहते हैं हुक्म के मानने को, और यही दोनों चीजें आपको अहले बैत इस्मत तहारत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नुमाया तौर पर नजर आएंगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिनकी इताअत खुद वाजिब है, जिनका इत्तबा खुद है, वो अहले बैत ने हमको बताया है कि पैगंबर का इत्तबा और पैगंबर की इताअत कैसे की जाती है, और बगैर इत्तबाए पैगंबर के और बगैर इताअत पैगंबर के तुम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हो और अल्लाह के महबूब नहीं करार पा सकते हो। और जो भी अहले बैत के दामन से वाबस्ता हुआ तो हकीकत में वही महबूब परवरदिगार करार पाया, और कैसा महबूब परवरदिगार कि जहां खुद अल्लाह का हबीब आवाज देता है कि सलमान व मिन्ना अहल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। ये किस बुनियाद के ऊपर था? ये इस घराने और इस दरवाजे के कुर्बत की बुनियाद पर था कि जो मोहब्बत उनके यहां सलमान के यहां थी, जो मारिफत सलमान के यहां थी, जो कुर्बत मार सलमान के यहां थी, उसने उस मर्तबे तक पहुंचा दिया था कि पैगंबर ने फरमाया कि सलमान हम अहले बैत में से हैं। और इसी तरीके से जनाबे चाहे अबू जर गफारी हों, चाहे मकदाद हों, चाहे अम्मार यासिर हों या दीगर असहाब कराम हों, कि इन्होंने वाकईन यह हमें दर्स दिया है कि इताअत और इत्तबा कैसे किया जाता है, और इंसान के जो दरजात पेशे परवरदिगार बुलंद होते हैं वो दुनिया और दौलत और सर्वत और इख्तदार और हुकूमत की बुनियाद पर बुलंद नहीं होते हैं, वो बुलंद होते हैं मारिफत की बुनियाद पर, वो बुलंद होते हैं इत्तबाए पैगंबर की बुनियाद पर, वो बुलंद होते हैं इताअत खुदा और रसूल और इमाम की बुनियाद पर, जिसका बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिसाल करबला है कि करबला के जहां के ऊपर करबला वालों के जो दर्जात हैं, करबला वालों का जो मकाम है, ये मकाम उस मकाम पे करबला वाले किस मकाम के ऊपर है, जहां खुद मासूम करबला वालों को आकर जब सलाम करता है तो आवाज देता है कि हमारे मां बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं, हमारे मां बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं। ये करबला वालों को ये मकाम क्यों मिला, ये मर्तबा क्यों मिला? इसलिए कि उन्होंने हकीकत में इताअत और इत्तबा का हक अदा कर दिया और बता दिया कि देखो इताअत कैसे, इमाम वक्त की इताअत कैसे होती है और इमाम वक्त का इत्तबा कैसे होता है। करबला में दोनों मिसालें हमको मिली हैं, इताअत की मिसाल भी मिली है और इत्तबा की मिसाल भी मिली है, कैसे हुक्म माना जाता है और कैसे नक्श कदम पर चला जाता है, कैसे नक्श कदम पर चला जाता है। आशूर का दिन, जाहिर सी बात है कि जितने भी इमाम के साथ असहाब थे वो सब चाहते थे कि पहले वो मैदान में चले जाएं और जामे शहादत नोश कर ले, लेकिन इमाम के हुक्म के मुंतजर कि जब तक इमाम का हुक्म नहीं होगा उस वक्त तक मैदान में कदम नहीं रखेंगे। ये इताअत का बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिसाल है।
और यही असाब इमाम करबला में इमाम के साथ, आइए देखें नक्श कदम पे कैसे चलते हैं कि जब इसी करबला के मैदान में नमाज का वक्त आया है और अबू समा में सैदावी ने आगे बढ़ के आवाज दी कि मौला अव्वल वक्त नमाज, इमाम ने आसमान की तरफ नजरों को उठाया, अबू समामा अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे कि यकीनन ये अव्वल वक्त है। बस एक मरतबा करबला में सफ़ें लगी, देखिए कि इताअत कैसे होती है, तीर चल रहे हैं और इताअत हो रही है, तलवारों से वार हो रहे हैं और इताअत हो रही है, दुश्मनों का मर्जा है और इताअत हो रही है, ये नमाज नहीं हो रही थी, ये इमाम की इताअत हो रही थी। किस तरीके से खाली इमाम ही नमाज नहीं अदा कर रहे, इमाम के साथ इमाम के असहाब भी नमाज अदा कर रहे हैं कि जहां, और लेकिन करबला में तो वाकया इताअत का हक अदा कर दिया, इत्तेबा का हक अदा कर दिया कि जहां इमाम के सारे असहाब इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे, वहीं एक ऐसी भी सफ थी कि जो इमाम के आगे खड़े होकर नमाज अदा कर रही थी, और इन्होंने तो हक अदा कर दिया, कमाल कर दिया कि जब कोई तीर आता था तो कभी अपने हाथ पे ले लेते थे, कभी अपने सीने पे ले लेते थे, तीर चलते रहे, नमाज अदा होती रही। कहते हैं जैसे इमाम की नमाज तमाम हुई, ये जो आगे सब में लगे हुए थे ये जमीन पर गिरे, इन्हीं असहाब में जनाब ज़ुहैर हैं, इन्हीं असहाब में जनाब सईद हैं, इमाम आगे बढ़े, क्या देखा मर्तबा ज़ुहैर के करीब गए, देखा ज़ुहैर दुनिया से रुख्सत हो चुके हैं, सईद के करीब गए देखा कुछ जान बाकी थी, इमाम बैठ गए सईद के सर को अपने जानों पर रख लिया। अजादारों में से मर्तबा सईद कहते हैं आका मेरे सराहाने को बुजुर्गवार आए हुए हैं। इमाम ने फरमाया सईद सलाम फरमाना, नाना मोहम्मद मुस्तफा है। सईद कहते हैं आका कोई बुजुर्गवार हमारे दाहिनी तरफ भी हैं। इमाम ने फरमाया सईद सलाम करो मेरा बाबा अली मुर्तजा है। सईद कहते हैं आका को बाईं तरफ भी बैठा हुआ है। इमाम ने फरमाया सईद सलाम करो मेरा भैया हसन मुश्तबा। सईद कहते हैं आका मेरे पास भी एक बीवी बैठी हुई आवाज दे रही है, वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह गुरबता। इमाम ने फरमाया सईद पैरों को समेट लो, अरे मेरी माँ फातिमा जब से मैंने मदीना छोड़ा मेरे काफिले के साथ साथ जहाँ जहाँ मेरा काफिला गया वहाँ वहाँ एक ही आवाज थी, वाह हुसैना वाह गुरबता वाह मजलूमा अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौम अज़्-ज़ालिमीन سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها ما هو شب جمعة شب مغفرة شب رحمة شب دعاء شب مناجات بار الله هم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما परचम कुफर व निफाक को सरनिगू फरमा दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान तशय्यो अमरीका और इसराइल को जलील और खार फरमा बारे इलाहा जिस तरीके से इस इसराइल गासिब और जालिम ने जुल्म कर रखा है माबूद इसको खुद इसी की चालों में और इसी के हथकंडों में गिरफ्तार फरमा बारे इलाहा मजलूमों की मदद फरमा ज़ालिमों का खात्मा फरमा अमरीका और इसराइल को मजीद जलील उखार फरमा बारे इलाहा खास करके इन गज़ा और फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की मदद नुसरत और हिफाजत फरमा और वो रज़मंदगान इस्लाम जो खत मुकद्दम के ऊपर हैं माबूद इन सब की नुसरत फरमा बारे इलाहा मोमिनीन जो मरीज उनको शिफा अता फरमा जो मकरूज उन कर्जों को अदा फरमा जो दुनिया से रुख्सत हो चुके उनकी मगफरत फरमा मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नासिरों में शुमार फरमा व तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम।